हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको रचली में खुश आमदी कहते हैं। मैं हूं आपका अपना सागर सिंधिया रहेंगे। मथिरा की लाजवाब बातें, मेरा जिसम मेरी मर्जी की बातें करने वाले ख़वातीन के मुंह पर ज़ोरदार चमाट। मथिरा ने साबित कर दिया, औरत औरत ही है और मर्द मर्द ही है। पूरे मर्दों का सर मथिरा ने बुलंद कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मथिरा असल कहाँ से आई है, मथिरा किस मुल्क से ताल्लुक़ है। मथिरा का ताल्लुक जिम्बाब्वे से है। वालद और वालदा की अलहदगी के बाद मथिरा अपने वालद के साथ पाकिस्तान आ गई। मथिरा ने कहा, जब पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान के माहौल की खबर नहीं थी। मैंने पाकिस्तान में भी जिम्बाब्वे के कल्चर को अपनाया, जिस पर बहुत तनकीद हुई। एक शो में लाइव कॉल पर मुझे गालियाँ मिली, वहाँ से मुझे शोहरत मिली। मथिरा ने कहा, मर्द और ख़वातीन में बराबरी की बातें करनी बेवकूफ़ी है। जब रब पाक ने मर्द को औरत से दर्जा बुलंद किया है तो हम कौन होते हैं मर्द की बराबरी करने वाली। मथिरा ने साबित कर दिया, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो आवाज़ें औरतें लगाती हैं उस पर उनकी जिस्म पर कोई हक नहीं है। एक बात पर मथिरा ने कहा, मेरी शादी हुई मगर बदकिस्मती से 5 साल चल सकी। अब मैं अलहदा हूँ, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रही हूँ। मथिरा ने मोहब्बत के बारे में कहा, 16 साल की उम्र थी जब मुझे पहली बार मोहब्बत हुई, मगर ये मोहब्बत नहीं, एक गलती थी, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। मथिरा ने कहा, यहाँ लोग हम बिस्तरी को गलत समझते हैं मगर फिर भी वो ही काम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।